सबकी आवाज नहीं आ रही। लो जी नुस्खा ऐसा इस्तेमाल करो, नमाजी ना बोलो मैं ताड़ा मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? लो जी नुस्खा सिर्फ इतना वे, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े। क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, थोड़ा सा अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिजक ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं हजरत साहब, जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है जिसको रब का रिजक खिलाया जाए? रोटी सामने रखी अपने मुंह में तो ले जाएगी, पकड़ के ले जाओ मत ले जाओ, ये रोटी मांगे बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी, तो क्या खाएगा? नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नसीहे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज़ इंशाल्लाह का नारा लगा लो, हमारी कोई नमाज गदा नहीं होगी, शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। सारे नमाजी बन जाए मेरे आका कितना खुश हो जाएगा बता रहा। ये है मकसद महफिल का, ये नहीं आए लंगर खाना तो मुछा उतार देंगे आ गए। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, होता ना सुबह दोपहर शाम में क्या नुस्खा मुकम्मल कर लेंगे। सवेर की खुराक पूछते नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद, तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाजें फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने का सुबह उठने लगे देर हो जाए, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो, सुबह उठ के मुआतद होते ही हो ना, तो वजू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लो, बाकी पढ़नी आसान हो जाए। फजर की राजा शुरान कर अच्छा कल तो पढ़ा, ना कल आवे थे ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो उतनी देर तक नाश्ता। वैसे मुझे लगता है ऐसे जैसे शैतान कान में फूक मारे, बोल ही ना दिले नमाज पढ़नी ना पै जाए। और शैतान साडा दोस्त है के दुश्मन? सर दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो सर क्यों मानते थे? चलो जेड़ा शैतान को दुश्मन समझदा तो उच्ची आवाज ना बोले, उन्नी देर तक नाश्ता, जितनी देर तक नमाजे फजर में पढ़ांगे, उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं करना। यार अपने घर से नजर मारो कितने कितने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के देखा भी? कुरान पाक के गर्दो गुबार पै रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कई कराची कुरान स्यूप का कीड़ा शहीद करता जा रहा है, इन्ना वक्त ने खोल क्या मारा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ, मैंने की करना है? मैंने कहा तो सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया था। रात की डोज ये कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर पांच नमाजा पूरी ना करो।